कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन सतर्क है और इस अवधि में प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस ने नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाई है। इसके चलते पुलिस ने 18,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपयों का जुर्माना भी वसूला है। राज्य में महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 6,900 लोगों के खिलाफ 3,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन में बेवजह घूमने वाले लोगों के 4,00,000 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए और 1,50,000 वाहनों को जब्त किया गया। इनसे पुलिस से 7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। इस अवधि में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने या गलत सूचना देने पर 297 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने समेत अन्य नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,32,00,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। महामारी अध्यादेश के तहत जो पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, सड़कों पर थूकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं और उसके तहत अब तक जयपुर कमिश्नरेट में 1,781 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 4,52,000 रुपये का जुर्माना हमने अब तक वसूल किया है और लगातार हमारी ये कार्रवाई जारी है। बेसिकली इसका कार्रवाई का उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों पे जुर्माना लगाया जाए, कोई आर्थिक दंड लगा के कोई आय प्राप्त की जाए, ये उसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आनी चाहिए और ये स्वाभाविक रूप से होना चाहिए कि हर आदमी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, क्योंकि ये महामारी सब जानते हैं कि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस अध्यादेश के तहत मास्क नहीं लगाने वाले 38,000 व्यक्तियों के खिलाफ और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को सामान बेचने वाले 5,000 से अधिक दुकानदारों, करीब 300 लोगों को जो पब्लिक प्लेस पर थूकते हुए पाए गए, 100 लोग जो पब्लिक प्लेस पर शराब का सेवन करते हुए पाए गए, 216 लोग पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हुए पाए गए और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है सेफ, उसकी पालना नहीं करने वाले 26,000 लोग पाए गए। इस तरह से कुल मिला के करीब 70,000 लोगों के विरुद्ध इस अध्यादेश के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें 1,32,00,000 रुपए का